ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान की है जो आज गंभीर रूप से घायल हुए जब वो अपनी ड्यूटी बडगाम के हमहामा इलाके में दे रहे थे। और फिलहाल बताया जा रहा है कि इनकी हालत बेहद गंभीर है। क्या है पूरा मामला, रुक करेंगे बडगाम से। मोहम्मद अशरफ डार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बताइएगा किस तरह से ये घायल हुए और कहाँ पर, कौन सी जगह पर ये तैनात थे जहाँ पर यह हादसा पेश आया? देखिए प्रियंका, ये जो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार जो कि मामूल पे ड्यूटी दे रहा था, हमामा जहाँ पर रेलवे ब्रिज है वहाँ पर ये ड्यूटी दे रहा था, तो अचानक से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है, इसको टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद ये काफ़ी शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ। उसके बाद उसको JVC हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर इसकी हालत अभी नाजुक ही बताई जा रही है। जो ये पुलिस एहलकार था, ये SPO है, 131 इसका ब्लड नंबर है, जिसकी शिनाख्त बड़गाम के राजमिन इलाके की है और जिसका नाम शाहबाज अहमद डार के बतौर हुई है, जो कि एक SPO है और जो कि ट्रैफिक पुलिस में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। तो अचानक से मोहम्मद के रेलवे ब्रिज के पास ये ड्यूटी दे रहा था, तो वहाँ से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसको टक्कर मारी। फिलहाल जो ड्राइवर है, जो गाड़ी है, वो वहाँ से फरार हो चुके हैं और पुलिस ने इसी FIR भी रजिस्टर्ड किया है। उस गाड़ी के जो ऑनर है या ड्राइवर है, गाड़ी को ढूंढने की कोशिश की जाए। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो SPO लड़का है, जो ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और जिसको अभी JVC हॉस्पिटल इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो ये गाय हम देखते हैं, जो हमामा ये जो एयरपोर्ट रोड है, एकदम एयरपोर्ट के सामने ही है ये वाका, जहाँ पर रेलवे ब्रिज है, तो वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं जो गाड़ियों की चेकिंग होती रहती है, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो ऐसे में ही रोड पे ये खड़े थे, तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसको टक्कर मारी, जिसकी वजह से ये काफी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जी प्रियंका, बिल्कुल। और जहां पे ये ड्यूटी दे रहे थे, वहां पर किसी आई विटनेस जिसने ये हादसा होते हुए देखा, उसने बताया कौन से कलर की गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी जिसने तेज रफ्तार आ रही थी और टक्कर मार दी? जाहिर सी बात है, जो ये ट्रैफिक एहलकार है, वहाँ पर ट्रैफिक के और भी जो एहलकार होते हैं, अक्सर हम देखते हैं वहाँ पर चेकिंग होती रहती है, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, क्योंकि जो एयरपोर्ट रोड है वो वहाँ पर डेली हम देखते हैं क्या वहाँ पर जो ट्रैफिक एहलकार वो खड़े रहते हैं और वहाँ पर चेकिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स गाड़ियों की चेक करते हैं। तो उसी सिलसिले में ये रोड में ही थे, गाड़ियों को रोक रहे थे, उसी में तेज़ रफ्तार एक गाड़ी आ जाती है, उसको टक्कर मार के चले जाती है। फिलहाल अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुई है गाड़ी कौन सी है वो, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी ने टक्कर मारे, उसके बाद आनंद फानंद जब उन्होंने जो उसके बाकी एहलकार उन्होंने देखा कि उनके साथी काफी गंभीर रूप से जख्मी, पहले उन्होंने कोशिश की कि इसको हॉस्पिटल ले जाए ताकि इसकी जान जो है बच जाए, फिलहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद अब वहां पर जो IG रोड है, ये तो जाहिर सी बात है, वहां पर जो है CCTV फुटेज को भी खंगाला जाएगा और जाहिर सी बात है वो ड्राइवर भागने में कामयाब नहीं। फिलहाल हमें कैसे थे वहाँ जाए वारदात से वो भागने में कामयाब हुआ है, मगर अभी जब उसकी रजिस्ट्रेशन, गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है, बाकी चीज़ें CCTV फुटेज होगी, क्योंकि उस एरिया में उस तरह CCTV कैमराज लगे हैं, तो उसकी निकालने के बाद ही उस ड्राइवर को जो है पकड़ा जाएगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि वो भागने में फिलहाल कामयाब। अब वो किस तरह की गाड़ी थी, कौन गई, ये भी हमने कोशिश की थी जो उसके एहलकार उनसे बात, मगर किसी से बात नहीं हो पाई, क्योंकि सबका ये कहना है वो JVC हॉस्पिटल में जेर इलाज है। कुछ जो उसके कुलीग इस वहाँ पर ड्यूटी थे वो भी उस टाइम वहाँ चले गए हैं, क्योंकि जो साथी है उसको ज़्यादा जो हम ये कह सकते टक्कर लगने की वजह से वो काफ़ी शदीद तौर से जख्मी थे। फिलहाल कोशिश ये करें कि उसकी जान बचे, उसके बाद जो है बाकी कार्रवाई की जाए, क्योंकि साथी में हमामा पुलिस पोस्ट भी पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पुलिस भी आई होगी। उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है। आखिरकार ये भी बताया जा रहा है कि नॉर्मल सी वहाँ चेकिंग हो रही थी, तो ये रोड के साइड में ही खड़े थे, गाड़ियों को रोक रहे थे, तो अचानक से गाड़ी वाला आके उसको टक्कर मार के शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। जी प्रियंका, बिल्कुल। आखिर में बताइएगा अशरफ, की जिस तरह से बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी, तो जो नाका लगाया हुआ था, क्या लगता है, क्या इंटेंशन हो सकता है कि नाका तोड़ने की कोशिश की गई या वैसे ही वो स्पीड से आ रही थी तो जिसकी चपेट में आ गए? देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उस गाड़ी के पास डॉक्यूमेंट ना हो या कोई ऐसे कागजात ना हो, जिसकी वजह से उसने इस तरह का जो हम ये कह सकते हैं कातिलाना ही हमला हम कह सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर ड्यूटी पे तैनात SPO उसके ऊपर जोर से टक्कर मारना, या
इससे तो यही अंदाजा, उसके पास या तो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, इसी हिसाब से उस तेज रफ्तार से उसने टक्कर मारी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं वहां पर गाड़ी वालों को रोका जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो उसी सिलसिले में शायद इसको भी लगा होगा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो उस हिसाब से उसने जो है भागने की कोशिश की। तो अचानक से जो है वहां पर क्रॉप था उसको, वो जो ड्यूटी दे रहा था उसको जोरदार से टक्कर लगी, और जिसके नतीजे में वो काफी शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जी ब्रेगर, बिल्कुल, शुक्रिया अशरफ तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। अशरफ हमारे साथ बडगाम से ज्वाइन किए हुए थे। तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान की है जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक तेज गाड़ी ने इन्हें टक्कर मारी है। फिलहाल इनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पहचान शहबाज अहमद डार के रूप में हुई है, जो बडगाम के रजवान विलेज के रहने वाले हैं, और फिलहाल जो ड्राइवर फरार है उसकी तलाश में पुलिस है। और इस हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। पर सबसे बड़ी बात कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, आप देखें कोई ट्रैफिक पुलिस का जवान है या कोई पेडिस्ट्रियन है या कोई भी है, सबकी जान जो है मायने रखती है। हर किसी का कोई उसके घर में इंतजार करता है। जब भी ड्राइव करें सेफली करें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखें। लूंगी इजाजत, देखते रहे जी।